हेलो गाइस, वेलकम टू एडु सेंटर। मैं हूं मोहम्मद। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 लाख वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी बना करके दिखाने वाला हूं, लिटरली दिखाने वाला हूं इलेक्ट्रिसिटी को। दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अगर आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो आपको पता होगा उसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म होता है वोल्ट। ये मेरे पास में एक बैटरी है जो 1.5 वोल्ट की है। इस तरीके से की जो छोटी बैटरीज होती है वो 1.5 वोल्ट की होती है। उसको हम सीरीज़ में कनेक्ट करके वोल्ट इंक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 बैटरीज़ यूज़ की हैं तो मैं 3 वोल्ट का इस्तेमाल करूँगा। हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक करंट आता है वो 220 वोल्ट का सप्लाई होता है। उसमें जो वोल्ट है 220। जो इलेक्ट्रिक ट्रेन्स होती हैं वो ज़्यादातर 25,000 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है। और आज इस सिंपल से सेटअप से मैं बनाने वाला हूँ 4 लाख वोल्ट का इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे मैंने 2 बैटरीज़ को सीरीज़ में कनेक्ट किया है। 3 वोल्ट का पावर सप्लाई दे रहा हूँ और ये मैं यूज़ कर रहा हूँ एक स्टेप अप जनरेटर जो 3 वोल्ट को 4 लाख वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो देखते हैं क्या ये होता है और होने के बाद में किस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है वो हम लोग देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक स्विच रखा है, स्विच को मैं ऑन करता हूँ और इन दोनों को कनेक्ट करके देखते हैं। देखिए, यहां पे इन दोनों को टच भी नहीं कर रहा हूं, सिर्फ पास ले जा रहा हूं तो करंट जो है वो फ्लो हो रहा है। ज़्यादातर अगर कम वोल्ट होता है तो 2 वायर को हमें टच करना होता है तो ही करंट फ्लो होता है। लेकिन जैसे जैसे वोल्ट बढ़ता है और बहुत ज़्यादा वोल्ट होता है तो 2 वायर के बीच में जब गैप होता है तो भी करंट इजीली फ्लो कर जाता है। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, इस गैप के बीच में भी करंट फ्लो कर रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा वोल्ट यहाँ पे क्रिएट हो गया है। आई डोंट नो 4 लाख वोल्ट क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है। आपको क्या लगता है कितना वोल्ट यहाँ पे क्रिएट हुआ होगा, कमेंट में लिख करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन काफ़ी ज़्यादा वोल्ट यहाँ पे क्रिएट हो गया है तो इन दोनों को बिना टच किए भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। वो कैसे हो सकता है, एयर में से करंट कैसे फ्लो हो सकता है? तो दोस्तों, जब बिजली गिरती है तो भी वो एयर में से गिरती है। इतना ज़्यादा वोल्टेज होता है कि एयर के पार्टिकल्स को आयनाइज कर देती है और उन आयंस के थ्रू बिजली जो है वो ट्रांसफ़र होती है। यहाँ पे भी सेम चीज़ हो रही है। यहाँ पे भी दोनों जो यहाँ पे मेरे पास में स्टील की प्लेट्स है वहाँ पे बहुत ज़्यादा वोल्ट है तो उसके आसपास की एयर जो है वो आयनाइज हो जाती है। आयनाइजेशन से आयंस पार्टिकल क्रिएट होते हैं और बीच में गैप है फिर भी इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे पास हो रहा है उन आयंस की मदद से। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और ऐसे ही साइंस बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड वीडियोस अगर आपको रेगुलर बेसिस पे देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।